नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने सभी आंगनबाड़ी बहनों को ICDS विभाग से जो पत्र प्राप्त हुआ था आज से 3-4 दिन पहले, जिसमें कि आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले जाने के साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं उनके लिए गर्म पकाए भोजन उपलब्ध कराए जाने की बातें कही गई थी। और देखिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं उनको 25 अक्टूबर 2021 से यानी आज से ही उनको गर्म पका भोजन खिलाया जाएगा। जैसे कि खबरों के मुताबिक जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन केंद्रों के लिए फोर्टिफाइड युक्त चावल वितरण किए जा रहे हैं। जैसे कि कई ज़िलों में इसका कार्य शुरू हो चुका है, फोर्टिफाइड युक्त चावल मिल रहे हैं। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जिस ज़िले से भी ये न्यूज़ देख रही हैं उस ज़िले में क्या आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फोर्टिफाइड युक्त चावल जो PDS के दुकानों से उपलब्ध कराए जाने की जो बात कही गई थी, क्या उसको आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आपके ज़िले में फोर्टिफाइड युक्त चावल उपलब्ध हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी इसकी जानकारी मिल सके। जिन ज़िलों में अभी तक फोर्टिफाइड युक्त चावल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं उनको इस मंथ के लास्ट तक उनके ज़िले में भी आंगनबाड़ी के लिए फोर्टिफाइड युक्त चावल उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो नवंबर की शुरुआत से ही बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और रही बात पोषाहार वितरण की, तो पोषाहार वितरण के लिए भी आंगनबाड़ी बहनों को चावल उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। उससे पहले आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो नए नए अपडेट हैं उसके बारे में आप सभी को जानकारी मिलती रहे। तो देखिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं उनको सिर्फ गर्म पका भोजन खिलाया जाएगा 25 से, और खिलाकर उनको घर भेज दिया जाएगा। जैसे कि अभी आपको पढ़ाई वगैरह नहीं करना है जब तक आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे नहीं। जैसे कि कोरोना काल के बाद आगामी 15 नवंबर से आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे। इससे पहले 25 अक्टूबर से ही आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे फिर से गर्म खाना खा सकेंगे। इसके लिए केंद्र पर गर्म खाना बनाया जाएगा, बच्चों को खाना खिलाकर घर भेज दिया जाएगा। देखिए, 25 तारीख से बच्चे आएंगे लेकिन उनको सिर्फ गर्म खाना खिलाया जाएगा, और खाना खिलाने के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। वहीं केंद्र खुलने के बाद 4 घंटे तक बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि 15 नवंबर से जब केंद्र खुल जाएंगे उसके बाद बच्चों को 4 घंटे तक स्कूल पूर्व शिक्षा जो दी जाती है वो दी जाएगी। इसको लेकर समयावधि निर्धारित कर दी गई है। तो आप सभी को वीडियो यूज़फुल लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ICDS निदेशालय ने जिला प्रोग्राम अधिकारी व CDPO को पत्र लिखकर निर्देशित किया है। जैसे कि हमने आपको पत्र भी दिखाया था, जो ICDS से पत्र जारी हुआ था कि 31 मार्च तक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक केंद्र का संचालन किया जाएगा। यानी 31 मार्च 2022 तक ही आपको आंगनबाड़ी केंद्र खोलने हैं। ससमय पहले की तरह निर्धारित तिथि से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाएगा। कहा कि केंद्र की ओर से मिलने वाली सुविधाएं लाभुक को जरूर दें। ICDS DPO चांदनी सिंह ने भी सभी CDPO को लेकर निर्देशित किया है। बता दें कि कोरोना काल के कारण आंगनबाड़ी केंद्र 2020 के मार्च से ही बंद था। साथ ही बच्चों को गर्म खाने के बदले राशन व विटामिक्स दिया जा रहा था। केंद्र खुलने से वे फिर से गर्म खाना खा सकेंगे। और जैसे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे उस समय से लेकर अब तक जो है उनको विटामिक्स ही दिया जा रहा था, लेकिन आज से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को गर्म पका भोजन दिया जाएगा। जैसे कि पहले पौष्टिक लड्डू सत्तू लड्डू दिए जा रहे थे, अब उन पौष्टिक और सत्तू लड्डू के बदले अब इनको सिर्फ गर्म पका भोजन यानी खिचड़ी और जैसे कि हलवा वगैरह जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जा रहे थे वो सभी फिर से बच्चे आकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर खा सकेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को कैसा लगा? वीडियो यूज़फुल हो तो आप लोग अन्य आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।